हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर वेल एंड स्टडेइंग वेरी वेल टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्लास एट का साइंस का चैप्टर है चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इसके सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में हम आप लोग को बताएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर आपको हम लगातार एक तरफ से बता देते हैं सारे आंसर्स आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे तो चलिए वेरी शार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल ई डी यहाँ पे ई e है टी एच ई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल ई डी एल ई डी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे नहीं जानते हो तो यहाँ देख लेना लाइट इमिटिंग डायोड लाइट इमिटिंग डायोड ठीक ना चलिए दूसरे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में मित्र लिखना है व्हाट इज द फुल एल ई डी लाइट इमिटिंग डायोड होता है सेकंड क्वेश्चन है वाई आर द वाई आर वाई आर वी इंस्ट्रक्टेड टू नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड्स क्या मतलब हुआ हमें भीगे हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों नहीं टच करना चाहिए आप लोग जानते भी होंगे अगर भीगे हाथ से इलेक्ट्रिक स्विच को टच करेंगे तो मे भी आपको करंट लग सकता है तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिख दिया है वन शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लाइसेंस विथ वेट हैंड्स सिंस वाटर इज गुड कंडक्टर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है कांटेक्ट विथ मॉइस्चर में रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो देख लो डिस्टिल डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी सल्यूट इन इट सो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता यहाँ पे आगे ही आपको पहले लिख लेना है आगे आप लोग नो लिख देना नो उसके बाद ये लिखना नो डिस्टिल्ड वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी सल्यूट नो डिस्ट हाँ यहाँ नो लिखना उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच डज़ नॉट कंटेन एनी सल्यूट इन इट इसलिए डिस्टिल्ड वाटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट नहीं होता वाट इज वोल्टा मीटर वोल्टा मीटर क्या होता है वोल्टा मीटर आर क्योलोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करने के लिए वोल्टा मेजर वोल्टा मीटर यूज होता है ठीक ना थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन ये आप लोग लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी चीज़ को किसी चीज़ की मोटाई बढ़ाने के लिए कर सकते हैं या फिर उस पर शाइनिंग ज़्यादा लाने के लिए या फिर उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड डेकोरेटिव आर्ट्स टू इम्प्रूव द सर्फेस क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की सरफेस क्वालिटी को इम्प्रूव करना सच एज रेजिस्टेंस टू एबार्सन एंड कॉरेजन ल्योब्रिसिटी रिफ्लेक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टी और अपियरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ये वेरी शार्ट के क्वेश्चन थे अब आपके शार्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हम आगे आपको ले चलते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डज टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है अब देखो वाटर फ्रॉम द टैप कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट दैट साल्टैट इन इट ठीक ना फिर है वाई इन नेचर इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू फाइंड हंड्रेड परसेंट प्योर सैम्पल ऑफ वाटर ऐसा क्यों होता है कि सब वाटर का हम हंड्रेड परसेंट प्योरीफिकेशन पा ही नहीं सकते हंड्रेड परसेंट प्योर वाटर नेचर में नहीं मिल सकता वाटर इज नेवर फाइंड इन प्योर स्टेट इन नेचर ये जानते हैं कि वाटर प्योर स्टेट में नहीं मिल पाता जो ग्राउंड वाटर रहता है वो प्योर स्टेट में नहीं रहता उसमें भी इम्प्योरिटीज़ मिली रहती हैं बोथ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर में कंटेन मेनी कंस्टिटेंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म गैसेज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सअप रहती हैं व्हाट इज एन एनोड एनोड क्या होता है द एनोड इज़ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड किसी इलेक्ट्रोड पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही एनोड होता है निगेटिव चार्ज होता है तो कैथोड होता है यहाँ पर कैथोड की बात नहीं किया तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है वही कैथोड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ नाउ अ डेज इलेक्ट्रोलाइस यूज वाइडली इन केमिकल एंड कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज नाउ इट इज आज के दिनों में इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्यों ज़्यादा किसी चीज़ को पेंटिंग या उस पर किसी का कवर चढ़ाना किसी मेटल की पेंटिंग क्यों की जाती है ज़्यादा इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया आप लोग पूरा लिख लेना ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका लॉन्ग का आ गया तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री पॉसिबल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए सोल्यूशन तीन पॉसिबल इफ़ेक्ट बताने हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है एक सोल्यूशन से डिपॉजिट आंसर देखो डिपॉजिट ऑफ मेटल में वी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स बबल्स ऑफ गैस में वी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स द सोल्यूशन में गेट हीटेड चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन मे टेक प्लेस यहाँ पर मैंने चार चीज़ें लिख दिया है इसमें से आपको तीन को ही लिख लेना ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टेड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है ये मैंने इसमें पूरा लिख के एक्सप्लेन कर दिया है आप लोग इसको जो है लिख लेना कैसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कर ले, लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है मैंने आप लोग को समझा भी दिया था और इसको देख के आप लोग बस नोट कर लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन लिस्ट सम अप्लीकेशन्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है और उसके कुछ अप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं देयर आर मेनी रीजन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत सारे रीज़न होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यहाँ पर मैंने कुछ नाम डाल दिए और क्या सम अप्लीकेशंस यहाँ पे नीचे डाल दिया हूँ ये लो आप लोग पढ़ के लिख लेना कोई दिक्कत हो तो बताना ठीक ना नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई लेबल डाइग्राम फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर किसी आयरन नेल को कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसका लेवल डायग्राम बनाने का है तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग को बना के दिखा दिया जिसको आप लोग देख लो यहाँ पे बैटरी यूज़ होता है आयरन की नेल को डाल देते हैं इधर कापर वायर इंसुलेटर रिमूव ये ऐसे करके पूरा सिस्टम बना के लेबॉरटरी में या फिर किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री में ऐसी ही प्लेटिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जाती है ठीक ना तो आई होप आप लोग को ये सब सारा समझ में आ गया होगा आप लोग इसको नोट कर लेना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक ना लाइक एंड सब्सक्राइब ठीक थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो